प्यारे बच्चों, आज आप देखेंगे सूरदास के भ्रमर गीत शीर्षक को। उधो मोहि ब्रज विशरत नाहिं, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरुकुंजन की छाही। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। माधव के सखा उद्धव जी गोकुल में पधारे हैं, जो कि श्री कृष्ण का संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, और उद्धव जब गोकुल ब्रज में आते हैं तो समस्त गोपियां उद्धव के पास आ जाती हैं। और रत्नाकर ने लिखा कि सुनी सुनी उद्धव की कह कहानी कान, को उठ रानी को उठा नहीं थी रानी है, को उसे दिशानी को उभरी दृग पानी रही, को श्याम श्याम कह वह की भी ले लानी है। और दूसरे में लिखे कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावनी जब लगी, कहे रत्नाकर गुआलिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी, उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी, हमको लिखो है कहा कहने सबे लगी। मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है मेरे श्याम सलोने कन्हैया ने, मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है, मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है। झुंड के झुंड गोपियां वहां उपस्थित हुई आई, और उनकी विरह व्यथा को, गायों को बछड़ों को जब देखते हैं उद्धव जी यहां से लौट करके जाते हैं मथुरा नगरी में, भगवान कन्हैया के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे माधव आप कैसे निष्ठुर हो, आपके वियोग में गोपियों की क्या दशा हो रही है, कैसे उनका जीवन बीत रहा है, इसे मैं अपने नेत्रों से देख करके आया हूं, जब से आप आए क्या गोपियों की शुद्ध बुद्धि आपने ली। और जब इतनी बात उद्धव के सखा माधव सुनते हैं, आंखें सजल हो जाती हैं और सजल नेत्रों से कन्हैया उद्धव से कहते हैं, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उधो मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है, वहां की स्मृति सदा मेरे अंतःकरण में मेरे मानस पटल पर बनी रहती है, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता माने यमुना का सुंदर किनारा, अरु कुंजन की छाही और कुंजों की शीतल छाया, और वे गायें वे सुरभि माने गाय, वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी, वे गायें वे बछड़े और दूध दुहने की मटकी, खरिक दुहावन जाही। और जब मैं बारे में गायों के बारे में जब दूध दुहने जाता था तो यह मुझे कभी भूलता नहीं, यह स्मृति मुझे सदा बनी रहती है। उद्धव
ग्वाल बाल मेरी मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हम ग्वाल बाल मिलकर के खूब शोरगुल करते थे, खूब हल्ला करते थे और बाहों में बाहें डाल करके नाचते थे, वह मुझे भूलता नहीं। ग्वाल यह मथुरा कंचन की नगरी, यद्यपि मथुरा सोने की नगरी है और मणिमुक्ताहल जाही, और इसमें मणि मुक्ता मोती और रत्नों का ढेर है, लेकिन जब वही सूरती आवती उस सुख की, जब उस सुख की याद आती है, ब्रज और गोकुल याद आता है, जियउ मगत तन नाही, मन उमड़ने लगता है। शरीर यहाँ जरूर रहती है लेकिन मेरा मन गोकुल और ब्रज में चला जाता है। सजल नेत्रों से माधव त्रिकीर्ण जी उधो से कहते हैं, अनगन भांति करी बहु लीला। हम नाना प्रकार की क्रीड़ा वहां करते थे, जसुदा नंद निवाही, लेकिन नंद बाबा और मैया यशोदा सब कुछ सहन की, सब कुछ उन्होंने सहन किया। हम लोग खूब कीड़ा करते थे, खूब शोरगुल करते थे, खूब नाचते थे बाहों में बाहें डाल करके, लेकिन मैया यशोदा नंद बाबा कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने जो कुछ किया सब उन्होंने सहन किया, बर्दाश्त किया। सूरदास प्रभु रहे मौन वैह कही कही पछिताही। सूरदास जी कहते हैं, यह कहते कहते सजल आंखें तो थी ही, कंठ भी अवरुद्ध हो गया, बोलने में असहज हो गए। गोपियों के प्यारे श्री कृष्ण जी और मन में पश्चाताप करने लगे, मन ही मन में पछताने लगे कि मैंने ब्रज और गोकुल को छोड़ करके मथुरा में आया ही क्यों। प्यारे बच्चों और दूसरा पद देखेंगे आप, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। यहां संयोगावस्था में जो प्राकृतिक दृश्य, जो वस्तुएं सुंदर लगती थी, सुखदायक लगती थी, सुखदायी लगती थी, आज वही गोपियों के लिए दुखदायक हो गई है। गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, गोपाल के बिना त्रिकीर्ण के बिना ये कुंजे ये लताएं हमारी बैरन हो गई है, हमारी दुश्मन बन गई है। तब वह लता लगत तन शीतल, जब मेरे श्याम सलोने श्री कृष्ण जी मेरे पास थे तब यही लताएं अति शीतल लगती थी, और आज वियोगावस्था में यही लताएं आग की लपटों के समान हमें दग्ध कर रही है। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल नयलि गुंजे। यमुना का कलकल ध्वनि से बहना, पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का बोलना, पक्षियों का कलरव करना और
कमल पुष्पों पर भौरों का गुंजार आज सब व्यर्थ लग रहे हैं। कुछ मन को सुहा नहीं रहा है, कुछ भी मन को भा नहीं रहा है। हे उद्धव, पान पवन पान घन सार सजीवन, शीतल वायु शीतल जल, घनसार माने कपूर कर्पूर, और संजीवनी बूटी दस सूत माने चंद्रमा, चंद्रमा की शीतल किरणें आज भानु भई भूंजे, सूर्य की तापदायी किरणों के सदृश लग रही है। जो संयोगावस्था में शीतल लगती थी, आज वही सूर्य के तपती किरणों के समान हमें भून रही हैं, भूंज रही है, आज वही कष्ट दे रही है। यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मारिकी नहीं हम लुंजे, हे उद्धव कन्हैया से कह देना कि उनके विरह में उनके वियोग में कामदेव ने हम गोपियों को लुंज पुंज कर दिया है। उनके विरह में उनके वियोग में कामदेव ने हम गोपियों को मारकर लुंज पुंज कर दिया है जी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत यखिया भई छुंजे, और उनसे यह भी कहना कि उनका दर्शन करने के लिए उनका रास्ता देखते देखते निहारते निहारते बाट जोते जोते आंखों की दृष्टि शक्ति छीण हो गई, शक्तिहीन हो गई। अखिया भई छुंजे, छुंजे माने छीण होना, अखिया छीण हो गई, आंखों की दृष्टि शक्ति जो थी छीण हो गई, गायब हो गई, कम हो गई। अगला पद देखेंगे गे पद, और भ्रमर गीत सब गे पद है बच्चों। हमारे हरिहारिली की लकड़ी, हमारे हरिहारिली की लकड़ी। प्यारे बच्चों आपको बताया हूं, हारिन पक्षी जब भी धरती पर आता है अपने पंजों में लकड़ी को लेकर के आता है, सदा लकड़ी को पंजों में पकड़े रहता है। यहां गोपियां कहती हैं, जब उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं, तब गोपियां कहती हैं, हे उद्धव कन्हैया तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, जिन्हें मैंने अपने हृदय से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, हमारे हर हारिल की लकड़ी। मेरा प्यारा कन्हैया, हम गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान है, और उस प्यारे सुंदर छवि को श्री कृष्ण को हम गोपियों ने मन से, मन क्रम जहां है क्रम को कर्म करने के, मन से वचन से कर्म से उस नंद के नंदन श्री कृष्ण को बड़ी दृढ़ता के साथ हम गोपियों ने पकड़ लिया है। महाराज वो तो ठीक है, आपका ब्रह्म बहुत अच्छा है, साकार ब्रह्म बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये किया है कि हम गोपियों ने नंद नंदन को अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ लिया, महाराज वह निकलता ही नहीं, और उसके बिना जिस निराकार ब्रह्म की बात करते हो महाराज, वह निराकार ब्रह्म तो हमारे मन में आएगा कैसे। आगे देखेंगे, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, जागते सोते स्वप्न में रात में दिन में हम गोपियां कन्हैया कन्हैया का ढेर लगाती रहती हैं, रट लगाए रहती हैं, और
सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। महाराज यह तो जो निराकार ब्रह्म का संदेश लेकर के आप आए हो ना, यह तो यह योग जो है, यह योग साधना तो हम गोपियों के लिए ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, जो कड़वी ककड़ी, यह योग कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी के समान। तू तो व्याधि हम को ले आए देखी सुनी न करी। महाराज ये योग के रूप में आप तो हमें रोग देके जा रहे हो, और जिसे मैंने न तो कभी देखा है न तो सुना है और न तो न करी, और हमने कभी इसका अभ्यास भी नहीं किया है। महाराज जी यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। हे उद्धव ले जा करके उन्हें यह योग साधना का उपदेश संदेश दो जिनका मन चक्कर काटता है और जिनका मन चकई के समान चंचल रहता है। प्यारे बच्चों चकई आपने देखा है, चकई जो जिसे खेलते हैं आप ऐसे नचाते हैं ना, ऐसे नचा देते हैं वो नाचने लगता है ऐसे ऐसे, वह स्थिर नहीं रहता, बहुत चंचल रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, ऐसे ऐसे नाचता रहता है। तो जिनका मन चकई के समान चक्र के समान नाचता रहता है, चंचल रहता है, हम गोपियों का मन दृढ़ है, श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गया है, रम गया है, बस गया है, टिक गया है। यह योग का संदेश उन्हें दीजिए जिनका मन चंचल हो, चकई की तरह नाचता हो। प्यारे बच्चों अगला देखिए पद नंबर 7 है, यहां से भ्रमर गीता 1, 2, 3 चौथा देखिए। उधव जोग जोग हम नाहीं, उधव जोग जोग हम नाहीं। प्यारे बच्चों एक जोग का मतलब योग और एक जोग का मतलब योग्य लायक। कविता की जिन पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है, इसे जरा आप देखिए। एक शब्द एक से अधिक बार आए, जितनी बार आए उतना उसका अर्थ हो, कौन सा अलंकार होता है देखना। हे उद्धव हम गोपियां योग साधना के योग्य नहीं हैं। उधव जोग जोग हम नाहीं, हम गोपियां योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, अबला सार ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। उधव जोग जोग हम नाहीं, उधव जोग जोग हम नाहीं। हम गोपियां योग साधना की योग्य नहीं हैं। अबला स्त्रियां, हम स्त्रियां ब्रह्म ज्ञान को कैसे जान सकती हैं, उनको कैसे ध्यान में ला सकती हैं, जिनकी न कोई आकृति है न रूप रेखा है न कोई गुण है न कोई जाति है, किसी युक्ति से प्राप्त भी नहीं होता, वह निराकार ब्रह्म के बारे में हम गोपियां कैसे जान सकती हैं, कैसे ध्यान कर सकती हैं। तेई मूदन नैन कहत हो हरि मूरत जीन माही, तेई मुदन नयन कहत हो। उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो महाराज, जिन नेत्रों में मेरा श्याम सलोना त्रिचिड़ बसा रहता है, हमें सब समाया रहता है, उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो। जिन नेत्रों में हर मुहूर्त जिन माही, जिन नेत्रों में प्रभु निवास करता है, उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो। ऐसी कथा कपट मधुकर, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमसे सुनी न जाही। ये कपटी बात मत करो मधुकर, उधव
ये कपट की बातें हम गोपियों से मत करो। यह हम गोपियों से सुना नहीं जाएगा, यह हम गोपियों से सहन नहीं होगा, यह दुख हम गोपियां सहन नहीं कर पाएंगी। श्रवण चीर सिर जटा बधाओ, कान को चिरवा करके और सिर पर जटा बांधने के लिए कहते हो उधव, ये दुख कौन समाही, यह दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। चंदन तजियंग भस्म बतावत विरह जन लयति दाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह जन लयति दाही, उधव योग योग हम नाही, उधव योग योग हम नाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत, गोपियां कहती हैं उधव, एक तो हम गोपियां त्रिकीण के विरह में दग्ध हो रही हैं, जल रही हैं, उस पर चंदन का लेप करने के बजाय आप भस्म का लेप कर रहे हो जो सर्वथा अनुचित है। विरह अनल यति दाही, विरह अनल, विरह की आग में हम गोपियां दहक रही हैं, जल रही हैं, और उस पर महाराज चंदन का लेप करने के बजाय भस्म का लेप कर रहे हो। योगी भ्रमत जाहि लगि भूले सो तो है अपमाही, योगी विरागी ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनि जो इधर उधर भटकते हैं ना, जिस ब्रह्म को पाने के लिए, जिस किरण को पाने के लिए इधर उधर भटकते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि अनंत गावे, जाहि अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तव पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाच पे नाच नचावे। जिस ब्रह्म को पाने के लिए योगी विरागी ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनि इधर उधर भटकते हैं, वह ब्रह्म तो शरीर में ही निवास करता है, सो तो है अपमाही, अपने में ही निवास करता है, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने शरीर में ही निवास करता है। सूर श्याम ते न्यारी न पलचिन जो घटत है पर छाई है। हम गोपियां श्रीकृष्ण से उसी प्रकार से एक क्षण एक पल अलग नहीं हो सकती जैसे शरीर से परछाई एक क्षण अलग नहीं होती। प्यारे बच्चों चलिए आज बस इतना ही, अब फिर कल अगला सत्र।